Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. This is Shiraz Khan. और भाई कल हमने एक ब्लॉग डाला था, आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक ठाक आया, ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ एवरेज आया है। उस ब्लॉग में हमने क्या डिस्कस किया है कि एक तो हमारी ब्लॉगिंग इतने दिन से बंद क्यों पड़ी थी वो डिस्कस किया है, और दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करी है कि हम कुछ दिन बाद एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। चलो खैर वो जो भी वीडियो है आप नहीं देख लोगे तो फायदा क्या है, ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, चेकआउट करो कल कौन सी वीडियो थी। रिस्पॉन्स ठीक ठाक आया, एवरेज आया, वीडियो डाली नहीं थी ना इतने दिन से। ये भी बैठा है साहिल, अगर आप उसको नहीं जानते हो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है साहिल, लास्ट ब्लॉग में इसका भी इंट्रोडक्शन हुआ है। ये एक्चुअली बहुत पुराना है लेकिन ये ब्लॉग्स में नहीं आता था कभी, तो अब ये आना शुरू किया है, इसमें मेरा भी फायदा हो रहा है। तो बात आ जाती है आज के ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग बनाने का मेन रीज़न था, रीज़न तो कोई था नहीं, ऑटोमेटिक ब्लॉग बन गया है, ऑटोमेटिक कंटेंट। हम कल गए थे दिल्ली, बताओ क्यों गए थे? ऐसे गए थे घूमने, कोई काम में नहीं, काम में सर वैसे भी काम काम तो होते नहीं, घूमते रहते। तो दिल्ली जाते हैं मैं रेड लाइट पे, एक जगह हम रुके थे, ट्रैफिक था वहाँ बहुत ज्यादा, बहुत ट्रैफिक था, तो राइट से ट्रक आता है, ट्रक वाले भाई साहब काफी देर से खड़ा था, खड़ा था मतलब सब लोग खड़े थे, हम भी खड़े थे, पता नहीं उनको क्या सूझी कि उन्होंने ले गए डोर खोल दिया उसका। अब जो डोर खोला वरना हम गाड़ी में बैठे, हम मस्त गाने चल रहे हैं, कुछ नहीं, हमें एकदम से आवाज आती है बम करके, बिल्कुल बेस्ट ट्यूब वाली एकदम धमाके वाली आवाज आती है, और हम जैसे पीछे देखते हैं तो भाई साहब फिर अरे यार सारी बातें यही बता देंगे तो फायदा क्या है, हाँ चल के दिखाते हैं, गाड़ी में चलते हैं क्योंकि आज उसका काम भी कराना है ना, तो चलो गाड़ी में चलते हैं जल्दी कर लिए सर। अरे बेटा कौन सी देर है, देर हो जाएगी, ट्रैफिक मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं मैकेनिक के पास, वो बताएगा इसमें क्या खर्चा आएगा, क्या क्या करना है, कब तक गाड़ी छोड़नी पड़े, शायद बैठे बिठाएगी, छोड़ो बैठे बिठाएगी भाई। अब मैकेनिक को बताएंगे हमारी गाड़ी में क्या लॉस हुआ है, वो उसके बताएगा कितना खर्चा आएगा। लॉस तो बता दो, लॉस तो दिखा दो, लॉस चलिए आपको लॉस दिखा दो, लॉस क्या हुआ है, लॉस हमारा ये हुआ है हमारे पैसे कहीं और लगते हो, यहाँ लग जाएंगे और क्या हो सकता है, हमें जो वहाँ पे इतनी देर हुई आगे कुछ हो जाता है। तो गाइस अब हम वही जा रहे थे, अरे प्रॉब्लम ये हो गई कि जिस जगह में मैंने मैकेनिक से बात करी थी, जो हमारे वसीम भाई एक मैकेनिक, उनके पास हर चीज़ मिल जाती है, तो मैंने कल फोन किया था उनको, मिल जाएगा, बोले हाँ मिल जाएगा, अभी मैंने फोन किया है पता करवा लो एक बार, कंफर्म करवा लो, मैं आ गया हूँ रास्ते में, तो बोले यार यहाँ तो मिला नहीं, एक बार पटपड़गंज से तुम ले गया, पटपड़गंज बिल्कुल अपोजिट हो गया, पहले वहाँ जाओ फिर वापस वहाँ जाओ उनकी जगह पर, जसोला पटपड़गंज चलते हैं दिखाओ। तो अभी मैं बैठा था गाड़ी में, सिराज लेकर आया, उसका पीछे वाला देखिए आप शीशा ग्लास, ये देखो टूटा फोटा है, ये देखो अरे पीछे होंडा सिटी खड़ी है भाई, सेम केस वही गड़ ग्लास चल रहा है उसमें, नहीं 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 ये थोड़ी लेना था व्लॉग में। तो भाई शीशा पड़ा हमें 1100 रुपये का, और इतना जेन्युइन ह्युंडई का शीशा है, और बाकी देखते हैं फिटिंग वगैरह भी होती है। हमने शीशा यहाँ से लिया है, कहाँ से, पटपड़गंज से, पटपड़गंज से लिया है शीशा लिया, लेकिन इसकी फिटिंग हम कराएंगे हमारे पुराने मैकेनिक से, जो यहाँ पे भी हो रही थी लेकिन ऑलरेडी गाड़ी लगी हुई है, सारी गाड़ियों का उसका भी होंडा सिटी, उसका भी ये वाला शीशा टूटा हुआ। चलो चलते हैं आप मैकेनिक के पास। A few moments later, तो ग्लास लेने के बाद शिराज के यहाँ पे घर भी है करीब में जहाँ से ग्लास लिया उसके पास, तो शिराज बोला मैं तुम अपना पुराना घर दिखाता हूँ, तो हम यहीं पर बैठे थे अभी, ये एरिया में मेरा पूरा बचपन गुजरा है, और अभी मेरा फ्रेंड है भाई, मेरे बचपन का फ्रेंड है नितिक, तो वो आ रहा है शायद। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई बढ़िया, हमारा उससे बच्चे से काम नहीं होता, शिराज ने खुद ही कर लिया काम। तो भाई ग्लास डल गया है, और मैंने सोचा रबिंग भी करा लूं, आपने रबिंग की भी देख ली होगी, रबिंग लाई थे ना? हाँ रबिंग की भी है, रबिंग की भी वीडियो डाली होगी, मैं तो बाहर था इन लोगों में लगा हुआ था, साहिल भाई वीडियो बना रहे थे हमारे, शेड्स हमने लिए, बहुत धूप पड़ती रही थी आजकल,
तो वही है कि एक ग्लास टूटने पे ऑलमोस्ट लमसम 2,000-2,500 का खर्चा है, विच इज नॉट बैड, वी कैन से ठीक ठाक है, एवरेज है, वरना के हिसाब से ठीक है, वरना के हिसाब से बहुत बढ़िया और जेन्युइन शीशा, हिंडाई का शीशा यार। अब हम ये करवाने आए थे शीशा डलवाने, तो सोचा कि रबिंग भी करवाएं गाड़ी पे। हाँ यार, रबिंग भी करवा ली और कुछ गाड़ी में एक आध कमी और थी वही पूरी करा ली। बिल्कुल एकदम गाड़ी अपनी मस्त हो गई, लाइट मार रही है। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। और कुछ कहना चाहोगे? इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ज्यादा अपडेट उसी पे आती है। दोनों की आईडी नीचे आ रही होगी लिंक। तो खत्म करते हैं वीडियो को। राइट सेफ, राइट स्मूथ, बाय बाय, टेक केयर।